आप सभी को राधे राधे फ्रेंड। आने वाली रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 17 अप्रैल को रामनवमी का पूजा है, बुधवार का दिन है, तो जल्दी सुबह सुबह जल्दी मतलब उठकर फिर पूजा करना है उस दिन। और मैं आपको आज के वीडियो में बहुत सरल विधि से रामनवमी पूजा की विधि बताऊंगी। और सुबह जैसे घर के मंदिर में एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा या पीले कपड़ा वस्त्र पहले बिछा लें। और यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको एक जगह कर ले। तो फ़ोटो है तो फ़ोटो आप विराजमान कीजिए। तो थोड़े से हम फूल और अरवा चावल का आसन देके फ़ोटो का विराजमान कर रहे हैं। आपके पास अगर मूर्ति है तो मूर्ति को भी आप रख सकते हैं फूल का आसन देके। और देखिए, उसके बाद स्नान भाव होता है, स्नान या शुद्ध किया जाता है सभी जगह पे। तो इस तरह से आप कोई पात्र में गंगा जल ले लें और थोड़े से जल ले कर मिला के फिर देखिए फ़ोटो को हम स्नान भाव करा रहे हैं। तो इस तरह से 5 बार कर लेते हैं। और उसके बाद थोड़े से जल, जो एक फूल डालना है उस फूल से शुद्ध कर लेना है, जैसे सभी जगह से हल्का सा छिड़काव कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो पूरा गीला हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा छिड़काव कर लिए और वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पे या तो चुनरी भी आप लगा सीता माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो फोटो में देखिए यहाँ पे राम भगवान, सीता माँ और हनुमान जी है। तो इससे पहले गणेश भगवान को पूजा किया जाता है, तो गणेश भगवान का नाम लेके यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित किया जाता है कोई भी पूजा में सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे एक प्लेट में हम स्वास्तिक बना लिए हैं चंदन से, उसमें थोड़ा से चावल और फूल दे के दीपक को खाली नहीं रखना है, तो थोड़े से चावल का फूल का आसन दे दीजिए। तो उसके बाद दीपक को पूजन किया जाता है। तो जैसे सिंदूर है, हल्दी, चंदन, इस तरह से तिलक लगा के उस तरह से पूजा कर लिए। और अब इत्र समर्पित किए भगवान को किए जाते हैं। तो इत्र फोटो है तो हाथ में लेके इत्र समर्पित कर दिए और भगवान जी को भी चंदन का तिलक कर देंगे। और अगर सीता माँ है तो सीता माँ का सिंदूर का टीका लगा देते हैं। तो इस तरह से फोटो में आप पूजा कर सकते हैं। अगर मूर्ति है तो मूर्ति में भी सेम विधि इसी तरह से करना है और जनेऊ अर्पित कर दीजिए। जनेऊ अगर नहीं है तो कलावा अर्पित कर सकते हैं। और फूल है, फूल अर्पित कर दीजिए। तो जो फूल है हमारे पास, मतलब जितने भी है फूल चढ़ा दीजिए। और अभी फूल तो खिले ही होते हैं, तुलसी पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी पत्ता चढ़ाएं भगवान जी को, और हनुमान जी है उन्हें भी तुलसी बहुत प्रिय है, तो तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए, भोग में लगाना है। और फूल है, हम फूल से सजा लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। अभी फूल तो ज़्यादा मतलब हो रहे हैं, तो जहाँ पूजा हो वहाँ फूल से अगर सजा दे उस जगह को तो बहुत अच्छा लगता है और मतलब जगह सुंदर दिखने लगता है। तो फिर भगवान को हम प्रसाद लगाएंगे, तो केले का भोग और पंचमेवा बतासा, मीठा और पंचमेवा जरूर लगाना चाहिए। तो पंचमेवा में 5-5 रकम का, जैसे उसमें 5 भोग हो जाता है, पंचमेवा नाम है, तो वो जरूर लगाएं। और मीठे में बतासा, और फल में कोई भी फल आप तो केले ले लिए अर्पित किए भगवान जी को, राम भगवान जी को। हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा उसके बाद पढ़ लेना है। और रामायण भी पढ़ी जाती है, तो आपके पास रामायण है तो जो जैसे जो शुरू से रामायण पढ़े हैं तो आज जैसे कंप्लीट करते हैं पढ़ के, उसको भी पूजा करते हैं उस जगह रामायण को रख के। तो उसके बाद आरती कर लेते हैं और तुलसी पत्ता देखिए भोग में भी लगा देंगे और हाथ जोड़ के प्रणाम भी कर लेते हैं। जो भी गलती होती है उसकी भूल चूक की क्षमा मांगते हैं। कपूर उस दिन जरूर जलाएं क्योंकि कपूर से ही घर में हमेशा शांति रहता है। जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है वो बाहर निकलती है। तो भगवान जी के पास से कपूर जलाने के बाद घर में सभी जगह दिखा दीजिए, घर में मतलब सभी रूम में, घर में, बाहर में आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसी तरह से बस सिंपल सा सरल विधि से पूजा करना है रामनवमी के दिन। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।